इंट्रोडक्शन टू आईपीओ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आईपीओ का मीनिंग क्या होता है। आई मीन्स इनपुट, पी मीन्स प्रोसेसिंग एंड ओ मीन्स आउटपुट। ठीक है, ये है फुल फॉर्म आईपीओ। और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए? अपने कंप्यूटर सिस्टम की। जैसे कि आपको भी पता है कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड सीपीयू। ठीक है, ये है। अब हम जब कंप्यूटर चलाते हैं तो सबसे पहले हम अगर हमने कुछ कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देनी हो, डाटा देना हो, तो हम किससे लिखते हैं? टाइप करते हैं कीबोर्ड से। ठीक है, इनपुट मीन्स कि कंप्यूटर को कमांड देना, इंस्ट्रक्शंस या डाटा कंप्यूटर को देना, उसके अंदर को इंफॉर्मेशन भेजना, वो किसके थ्रू होती है? कीबोर्ड के थ्रू या फिर माउस के थ्रू। ओके, इनपुट वाला कंसेप्ट किसके थ्रू होता है? कीबोर्ड या माउस के थ्रू, जिन डिवाइसेस से हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन होता है कि प्रोसेस चलना, जो पूरा हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं वो वर्क कहाँ पे होती है? सीपीयू। ठीक है, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सारा काम प्रोसेसिंग का कहाँ पे होता है? सीपीयू में होता है। देन नेक्स्ट इज आउटपुट। आउटपुट मीन्स कि जो रिजल्ट हमें मिलता है। सपोज कि हमने कीबोर्ड से कंप्यूटर को कोई डाटा दिया, ठीक है, उसका रिजल्ट हमें कहाँ पे मिलता है? मॉनिटर के। ठीक है, सो मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस जहां पे हमें रिजल्ट मिलता है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सपोज हमने माउस के थ्रू कंप्यूटर पे कोई सॉन्ग सिलेक्ट किया, ठीक है, वो सॉन्ग हमें सुनाई कहाँ से देता है? स्पीकर से। सो स्पीकर इज ऑल्सो अ आउटपुट डिवाइस। देन अब हम अपने